सीखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। कुछ ऐसी ही विचारधारा की एक बहुत ही शक्तिशाली शख्सियत जिनका नाम हम लोग ज़ारा खान के नाम से जानते हैं, और 1000 से ज़्यादा मूवीज जो यूट्यूब पर उनका अपना चैनल भी है, इसके अतिरिक्त 1000 से ज़्यादा वेब सीरीज में उन्होंने काम भी किया है। आज की डेट में 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स उनके हैं आज की डेट में, और 1000 से ज़्यादा वेब सीरीज और मूवीज में उन्होंने सभी में अहम किरदार अपना निभाया है। तो आज उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी आपने लाइट ऑफ नेशन के दर्शकों को आज हम रूबरू कराएंगे उनसे। तो सारा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे लाइट ऑफ नेशन चैनल में। तो कुछ आप अपने जीवन के जो संघर्ष तक यहाँ तक सफलता का जो सर्वोच्च शिखर आपने हासिल किया है, उस तक आने में जो भी, क्योंकि बिना संघर्ष से कुछ भी नहीं होता है, तो जो भी आज तक रहा है उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा रूबरू करें। पहले तो मैं सबको कहना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और सभी को राम राम। मेरा नाम ज़ारा खान है और मैं शेख चिल्ली, आपने सुना होगा बहुत फेमस किरदार है, यूपी की तो शान है, शेख चिल्ली जी, हरिराम तूफान और शेख चिल्ली जी मेरे गुरु जी हैं। मैं उनकी एक छोटी सी कलाकार ज़ारा खान, मैं उनके साथ नफीसा साली अहम किरदार निभाती हूँ, उनकी साली का, उनकी बीबी का, रुखसाना का, सवाना का, सलमा बीबी का। 1000 से ज़्यादा मूवी कर चुकी हूँ उनके साथ, मेरी वेब सीरीज़ है, और सर ने कहा 2 करोड़ लोग, 200 करोड़ से लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं माशाल्लाह से, वीडियो डालते ही हमारे सोशल मीडिया में व्यूज़ आते हैं। और सब कुछ जो है बहुत मुश्किल रहा है, स्टार्टिंग में तो सब बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, सब बहुत मुश्किल रही है सर, आप पूछे तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ये जो इन्होंने सफलता जो हासिल करी है, आज 200 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स और व्यूवर्स इनके आज यूट्यूब के में तहलका मचा हुआ है, तो उनकी कड़ी, तो इसको जब कोई भी संघर्ष के बाद आदमी सर्वोच्च शिखर हासिल करता है, तो उसकी जो प्रसन्नता, संघर्ष के बाद की जो प्रसन्नता है, वो आपको खुशी जरूर लगती होगी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को रूबरू करें। खुशी लगती है, अब देखिए माशाल्लाह से जहाँ हम आए, ये भी कोई नॉर्मल जगह तो है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चलता सफर कर जाए यहाँ पर, मुसाफिर आ जाए। यहाँ आने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, या तो फेम वैल्यू हो, या फैन फॉलोइंग हो, या फिर बॉन्डिंग हो, तो कुछ तो है। जो दीक्षा जी ने हमें बुलाया है यहाँ पे, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ बुलाया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और हम इस काबिल उन्होंने समझा, भाई मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनकी। और सर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिस्ट हैं, अब आप ले रहे हैं इंटरव्यू, तो जाहिर आप भी कलाकार ही एक तरीके से, तो सभी आर्टिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई ड्रेसेस आर्टिस्ट है, कोई कुछ है, तो मैं उसके लिए एक शेर सुनाना चाहूंगी कि जो कलाकार होता है ना, वो मोहब्बत से चाहे तो उसे पूरा कोई खा जाए, लेकिन जहाँ बात आती है ना ईगो वाली, तो वहां हम अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाते, बहाना बना देते कि भी आए। तो सुनिए मैं सुनाऊंगी कि कलाकार किसी बसर या शहर का गुलाम नहीं होता, कि कलाकार किसी बसर या शहर का गुलाम नहीं होता, और वो यूं ही महफिलों में जगह जगह बदनाम सरेआम नहीं होता। बिक जाए तो किसी की बस थोड़ी सी मोहब्बत में, बिक जाए तो बस किसी आप जैसे शख्स की थोड़ी सी मोहब्बत में, वरना खरीदने वाले के पास इसका कोई मुकम्मल दाम नहीं होता। तो आपने मोहब्बत से कहा तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ सर। तो जो इन्होंने संघर्ष किया, इनके संघर्ष के विषय में 2 लाइनों के साथ में हम बात का अपनी समापन भी करेंगे, और जो हमारा साक्षात्कार है, यानी कि लाइट ऑफ नेशन के दर्शकों को जो हम इनकी तरफ से जो मैसेज है, उसको हम थोड़ा सा बयान करेंगे। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो प्रतिकूल दिशाओं में जो अपनी धारा को सही बहाता है, वही सच्चा राहगीर और सच्चा मुसाफिर और सच्चा सफल वही होता है। इसी के साथ लाइट ऑफ नेशन की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले जानने के